हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मैथ विद नूर। टुडे वीडियो इज़ गोना बी अबाउट मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास? मैट्रिक्स हमारे पास नंबर्स की अरेंजमेंट होती है कि हम नंबर्स को कैसे अरेंज करते हैं, और उसकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, इतनी बात। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है। अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn नंबर्स। इसके अंदर हमारे पास कितने नंबर होंगे? mn नंबर्स। और ये कैसी, किस फॉर्म में होती है हमारे पास मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर एरे। एरे क्या हमारे पास? यहाँ कंप्यूटर का वर्ड है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड रोज, जिसके अंदर मैट्रिक्स क्या होगी, बेसिकली हमारे पास एक रेक्टेंगुल के फॉर्म में होती है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होंगे? mn नंबर्स होंगे, और m क्या होगा? हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी, जिसको हम क्या कहेंगे? रोज कहेंगे। एंड n वर्टिकल लाइन होंगी, जिसको हम कॉलम कहेंगे। हिज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n। और जो मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर को अगर हमें बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n कहेंगे, या फिर रिटर्न एज m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, इतनी बात। सच एन एरे इज इनक्लोज्ड बाय, डैट मीन्स जो मैट्रिक्स होती है हम उसको किसके अंदर बंद करके लिखते हैं? या तो इस ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, या फिर इस ब्रैकेट के अंदर। वैसे तो आपको ज़्यादातर इस ब्रैकेट के अंदर देखने के लिए मिलेगी, तो मैट्रिक्स को हम किस ब्रैकेट में रखते हैं? इन दोनों ब्रैकेट्स में। ठीक है, इतनी बात। एंड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज यूजली रिटर्न एज, जो एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स होती है हम उसको बेसिकली किस तरह से लिखते हैं? इस फॉर्म में। ठीक है, ये क्या हमारे पास? ए। जो मैट्रिक्स होती है हम उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ए लिया। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हमने बताया कि हम कैसे लिखते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे या इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और जी हमने लिखे हुए हैं ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन एन। फिर नेक्स्ट क्या है? ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए टू एन। ये क्या है मेरे पास? मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है मेरे पास? मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट ए वन वन, ए वन टू। डैट मीन्स ये क्या बता रहे हैं? पोजिशन को बता रहे हैं। अगर यहाँ पर सपोज थ्री लिखा हो तब हम क्या कहेंगे? यहाँ पे हमारा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? ए वन थ्री। ठीक है, इस तरह से हम बताएंगे। इन कॉम्पैक्ट फॉर्म द अबव मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं? डैट मीन्स अब ये देखो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में तो इस तरह से लिख दिया। ठीक है, और अगर हमें इसको कंबाइन करके लिखना हो, ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास इतनी बड़ी, अगर हमें इसको कंबाइन फॉर्म में लिखना हो, सिर्फ ए की वर्ड में दिखाना, तब हम उसको कैसे दिखाएंगे? ए आई जे। ठीक है, इस तरह से दिखाएंगे। डैट मीन्स जो इसके अंदर के एलिमेंट है हमारे पास, ये क्या है? ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन एन। ये है ना हमारे पास एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर, जो ये एलिमेंट है हमारे पास कुछ इस तरह से हैं। और यहाँ पर हम इसको कैसे दिखाएंगे? ये तो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। ठीक है, और अगर हमें जो एलिमेंट है उसको ए के वर्ड में लिखना, तब हम उसको कैसे लिखेंगे? ए आई जे। और मैट्रिक्स को कैसे दिखाते हैं? इस ब्रैकेट में। और इसका ये क्या लिखा हुआ है? हमने ऑर्डर लिखा हुआ है मैट्रिक्स का। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है हमारे पास? यहाँ पर m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। m क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है, इतनी बात। द नंबर ए वन वन, ए वन वन, ए वन टू एसेक्ट्रा, जो ये नंबर्स हैं हमारे पास, इनको हम क्या बोलते हैं? आर नोन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। ये क्या हमारे पास? एलिमेंट है मैट्रिक्स ए के, जिसको हमने कैपिटल लेटर ए से डिनोट किया हुआ है। उसके क्या हमारे पास? ये एलिमेंट है मैट्रिक्स के। ए आई जे बिलोंग टू द आईएथ रो एंड जीएथ कॉलम। जो ए आई जे है ना हमारा, किससे बिलोंग करता है? आईएथ रो से और जीएथ कॉलम से। एंड इज कॉल्ड द आई कोमा जीएथ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ए किसके इक्वल है हमारे पास? ए आई जे के। ठीक है, इतनी बात। अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने ए, ये कोई मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर ये मैट्रिक्स जो है हमारी कितने ऑर्डर की है? इसके अंदर हमारी कितनी रोज हैं? टू रोज हैं, थ्री कॉलम है। ठीक है, इतनी बात। ये क्या हमारे पास? एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और हमने इसको यहाँ पे किसके इक्वल लिखा है? ए के इक्वल। इज अ मैट्रिक्स हैविंग टू रोज है हमारे पास, इसके अंदर वन टू, टू रोज है, थ्री कॉलम है। इट्स ऑर्डर हिज, इसका ऑर्डर कितना हुआ? फिर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? रो लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं? कॉलम लिखते हैं। रो कितनी है हमारे पास? वन टू, और कॉलम वन टू थ्री। ठीक है, इतनी बात। इट हैज़ सिक्स एलिमेंट्स। अब एलिमेंट कितने हुए इसके पास? सिक्स ही तो हुए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ये क्या हुए हमारे पास? एलिमेंट हुए। जैसे हमने यहाँ पे बताया था ना, ए वन वन, ए वन टू, ये जो मैट्रिक्स, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर जो भी प्रेजेंट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं इनको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। तो ये टोटल कितने हैं हमारे पास? ये सिक्स हैं। अब देखो यहाँ पर, यहाँ पे जो
यहाँ पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, A11। A11 कितना है यहाँ पर 1, A12 कितना है 2, A13 कितना है यहाँ पर 3। डैट मीन्स यहाँ पर कितना है, A21 कितना है 0, A22 कितना है हमारा -1, A23 कितना है हमारा 9। ऐसे हम इसको क्या करते हैं, रीड करते हैं। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप क्या है हमारे पास, अब सबसे पहले हमने मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया। मैट्रिक्स के हमारे पास कुछ टाइप हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर जो हमारे एलिमेंट है वो रेस्ट वाली पोजीशन पे, दैट मीन्स लेटे हुए पोजीशन में हो। ठीक है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जिसके अंदर हमारी एक ही रो हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स, या फिर बोलेंगे रो वेक्टर। अब इसका एग्जांपल क्या होगा हमारे पास, ए, ये क्या हमारे पास मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये किसके इक्वल है, ये हमने एक रो लिया, यहाँ पर इसके जो एलिमेंट है वो कैसी पोजीशन में है, रेस्ट की पोजीशन में है, और एक ही रो बन रही है हमारे पास ओनली ये, इसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। अब इसको ऑर्डर कितना होगा हमारे पास, इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, रो कितनी है 1, एक ही तो रो जा रही है ऐसे, ठीक है 1। कॉलम कितनी बन रही है 1, 2, 3, कॉलम इस फॉर्म में बनती है ना हमारी, रो जो होती है हमारी इस फॉर्म में बनती है, कॉलम हमारी इस तरह जो फॉर्म होती है उसमें बनती है। अब रो कितनी है, एक ही बन रही है, कॉलम कितने बन रहे हैं 1, 2, 3, इसलिए मैट्रिक्स किस ऑर्डर की हुई हमारे पास, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम क्रॉस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एम क्या होता है, रोज, तो रोज कितनी है यहाँ पर 1, इसलिए लिखा 1। कॉलम कितने बन रहे हैं 1, 2, 3, तो इसलिए लिखा 3। ठीक है, इतनी बात। इसलिए हम मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ हमारे पास, 1 क्रॉस 3। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, सिर्फ वन ही कॉलम हो, वो भी किस पोजीशन में, कॉलम। अब आप यहाँ पे देखो कॉलम किस पोजीशन में होते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में, इस तरह की पोजीशन में क्या होते हैं हमारे कॉलम। डैट मीन्स जैसे ये हमारे पास एलिमेंट है, इसके अंदर वो कुछ इस तरह से पोजीशन में है ना, स्टैंडिंग पोजीशन में है ना वो हमारे। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। ठीक है, इतनी बात। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, एलिमेंट ऐसे कुछ रेस्ट की पोजीशन पे होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स में ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं। ठीक है, इसमें हम सिंगल रो से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स को हम सिंगल कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा यहाँ पे हमारे पास, ये मैट्रिक्स है हमारे पास ए के इक्वल है, तो इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास, यहाँ रोज कितनी बन रही है, सबसे पहले हमारे यहाँ पे रो चेक करो। सबसे पहले हम क्या, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, एम क्रॉस एन होता है ना, एम क्रॉस एन से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। और एम क्या होता है हमारे पास, यहाँ रोज होती है, रोज कितनी बन रही है 1, 2, 3, इसलिए लिखा 3। कॉलम कितनी बन रही है ऐसे 1, तो 1 यहाँ पे क्या लिखा 1, तो 3 क्रॉस 1 की क्या है हमारे पास, ये कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे हम, जब उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के हो जाएं, इक्वल हो जाएं। अब आपको मतलब अगर आपको याद भी ना रहे, स्क्वायर कैसा होता है आपके पास, इस फॉर्म का होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो, उसको ही तो हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि मेरे पास जिसके अंदर नंबर, जिसके अंदर स्क्वायर क्या होता था हमारे पास, जिसके अंदर सभी साइड्स इक्वल हो वही स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन इज सेट टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एम इक्वल्स टू एन, जिसके अंदर हमारी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएं, उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर क्या होता है, जिसके अंदर सभी साइड्स इक्वल होती हैं, बात तो वही हुई ना मेरे पास। अब एग्जाम्पल क्या है हमारे पास इसका, दी मैट्रिसेस, एक तो ये मैट्रिक्स ली जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम क्या हमारे इक्वल है, 2 रोज हैं 2 कॉलम है, ये कैसी मैट्रिक्स हुई, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हुई, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एम को, ये एन को, डैट मीन्स जो एम है वो भी 2 है, एन भी 2 है, डैट मीन्स ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ पर, तो ये कैसी मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की, रोज कितनी है 1, 2, 3, कॉलम कितने हैं 1, 2, 3, तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हुई, ये एम को रिप्रेजेंट करता है, ये एन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर भी एम और एन क्या है हमारे पास इक्वल वैल्यू दे रहे हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की तो यही कंडीशन होती है हमारे पास, जहाँ पर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड 3। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इफ इन अ मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम, जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएं, कम हो जाएं किससे, नंबर ऑफ कॉलम से, देन इट इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन वेयर एन ग्रेटर देन
एम इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होते हैं, अगर आप ये भी बता दोगे कि एन जहाँ पर बड़ा हो एम से, अगर आप ये भी बता दो कि एक मैट्रिक्स अगर हम लें एम क्रॉस एन ऑर्डर की, और वहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा हो और नंबर ऑफ रोज जो हो कम हो, ऐसा एग्जांपल अगर आप दे दो तो उसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्योंकि यहाँ पर एन किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा नंबर ऑफ कॉलम को, एम किसको रिप्रेजेंट करता है, रोज को। अब ये साइन किसकी तरफ बढ़ा जा रहा है, हमारा कॉलम की तरफ। डेट मीन्स कॉलम के अंदर के एलिमेंट कितने होंगे, ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स लिया हमारे पास वो कितने ऑर्डर की है, चेक करो, 1 2 3। रोज कितनी है, 3। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। कॉलम कितने हैं, 4। मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होती है, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स होती है। रोज भी बता दिए, कॉलम्स भी बता दिए। अब ये कंडीशन क्या थी हमारे पास कि एन बड़ा होना चाहिए एम से। एन ही तो बड़ा है हमारा यहाँ पर, एन तो 4 है, एम तो 3 है, एन तो यहाँ पर 4 है हमारा, एन ही तो बड़ा है हमारा यहाँ पर, एन कितना है हमारा यहाँ 4, और एम कितना है यहाँ पर, तो 4 ही तो बड़ा होता है हमारे पास 3 से। ऐसी कंडीशन जहाँ पर एन बड़ा हो हमारा एम से, उसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो ऐसा एग्जांपल हम दे सकते हैं जहाँ पर हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा देखने को मिले और रोज कम देखने को मिले, वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल मैट्रिक्स। अब वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा हमारे पास, जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज, जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज क्या हो, ज़्यादा हो, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो हमारे, कम हो, उसको हम क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। अब ये हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर वर्टिकल मैट्रिक्स का। अब रोज चेक करो, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होता है, एम क्रॉस एन। ठीक है, अब रो कितनी बन रही है, 1 2 3 लिखो यहाँ पर। कॉलम कितने हैं, 1 2। अब रो कितने हैं यहाँ पर, 3। तो 3 तो हमारे पास बड़ा होता है, 3 क्या हमारे पास बड़ा नंबर है, 2 छोटा नंबर है। डेट मीन्स जहाँ पर हमारी रोज ज़्यादा हो, कॉलम कम हो, उसको हम कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट है हमारे पास सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, अगर हम मैट्रिक्स के अंदर से छोटे छोटे मैट्रिक्स निकाल के लिखें तो उसको हम क्या कहेंगे, सब मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स से ही हमें कोई मैट्रिक्स को मिलना, बाय डिलीटिंग सम रोज, किसी रो को डिलीट कर दिया, या फिर किसी कॉलम को डिलीट कर दिया, या फिर दोनों रो और कॉलम को डिलीट करने पर, तो उसको हम क्या कहेंगे, सब मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, इफ़ ए किसके इक्वल है, हमारे पास इस मैट्रिक्स के इक्वल है। अगर हम यहाँ पर A1 बताना हो, तो यहाँ पर A1 क्या होगा हमारा, 1 4 2 5। ये क्या है हमारे पास, सब मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर से छोटी छोटी मैट्रिक्स को ढूंढ के लिखना, तो उसको हम क्या कहेंगे, सब मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होती है जिस पर हमें डायगोनल पर ही एलिमेंट देखने को मिले। अब डायगोनल क्या होता है हमारे पास, ये इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। अब डायगोनल पर यहाँ पर हमें एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हमारे, 0 है। ठीक है, इतनी बात। अब हम डेफिनेशन से समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है हमारी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया ए, किसके इक्वल है हमारे पास, AIJ। AIJ किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या लिख देते हैं, AIJ। अब जब एक्सपेंड करके लिखते हैं फिर एलिमेंट दिखाते हैं हम, A11, A12 इस तरह से। और ऑर्डर कितना है हमारे पास, M क्रॉस N। हिज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे, इफ़ ऑल द एलिमेंट दूस इन द लीडिंग डायगोनल आर 0। अब इसको इसका क्या मीनिंग है हमारे पास, डेट इज AIJ हमारे पास 0 कब होगा, जब I और J हमारे पास आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब I और J हमारे पास आपस में इक्वल कब होते हैं, इन पोजीशन पे हमारे पास क्या होते हैं, I और J आपस में इक्वल होते हैं इन पोजीशन पे क्या होता है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हमारा A11, A22, यहाँ पे क्या होता है हमारा A11, यहाँ होता है हमारा A22, और यहाँ होता है हमारा A33। डैट मीन्स I और J की वैल्यू तो यहाँ पर सेम आ रही है ना हमारी, यहाँ पर I और J की वैल्यू 11, यहाँ पर I और J की वैल्यू 2, यहाँ पर I और J की वैल्यू 3। तो उसने क्या कहा है हमें कि AIJ 0 कब मिलेगा, जब I और J आपस में इक्वल नहीं होंगे। तब इन पोजीशन पे तो हमारे I और J इक्वल होते हैं, इन पोजीशन पे हमारे I और J इक्वल नहीं होते, तब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0, और यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, कुछ एलिमेंट। ठीक है ना, इतनी बात। तो उसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कोई मैट्रिक्स है, इसको हम कैसे लिखेंगे, डायगोनल 3 5 7। अगर हम ये जो मैट्रिक्स है इसको इस तरह ना लिख के, इसको इस फॉर्म में भी लिख दें कि ए मैट्रिक्स है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डायगोनल डॉट 3 5 7, बस ये वाले एलिमेंट दिखा दिए ओनली डायगोनल पे जो प्रेजेंट थे। ठीक है, इतनी बात। उसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। 8th है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा हमारा, 0।
जो हमारे डायगनल स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारे पास जो हमारे डायगनल पे एलिमेंट है वो कितने होंगे, यूनिट, दैट मीन्स आइडेंटिटी मिलेंगे हमें। डायगनल वाले एलिमेंट क्या मिलेंगे हमें, 1 1 मिलेंगे, और नॉन डायगनल एलिमेंट हमें क्या मिलेंगे, ये क्या होंगे हमारे, इनको हम बोलते हैं नॉन डायगनल। ये क्या होता है, हमारा डायगनल होता है, ये क्या है हमारे डायगनल, जो बच गए हैं वो क्या होंगे हमारे नॉन डायगनल। तो नॉन डायगनल एलिमेंट जिसके अंदर हमारे जीरो डायगनल एलिमेंट हमें वन मिले, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैथमेटिकली हमें इसको रिप्रेजेंट करना, तब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आपको कहीं पर इस तरह की फॉर्म देखने को मिल जाए और आपसे आपको कुछ ऑप्शन दे दिए जाए कि ये हमारी डायगनल मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब भी पता होना चाहिए ना आपको कि हम मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई और जे जब आपस में इक्वल होंगे, ये क्या हमारे पास ए आई जे किसके इक्वल है, वन कब देगा, जब आई और जे आपस में इक्वल होंगे, और जीरो कब देगा, जब आई और जे आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब आई और जे की वैल्यू आपस में इक्वल जब होगी तब हमें क्या मिलेगा, वन मिलेगा। अब आई और जे हमारे इस यहाँ पर इक्वल होते हैं हमारे पास, तब वैल्यू क्या मिलेगी, वन मिलेगी, इसलिए यहाँ पर क्या मिल लिया हमें, वन वैल्यू। जब आई और जे हमारे आपस में इक्वल ही नहीं होंगे, अब ये वाली पोजिशन देखो, ये कैसी पोजिशन है हमारी, इसको हम लिखें ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, या पहले लिख लेते हैं ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए वन टू, आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आई की वैल्यू वन है, जे की वैल्यू क्या है, टू। जब आई और जे, आई की वैल्यू कितनी है, वन, और जे की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर टू, ठीक है। अब वन के क्या, वन और टू आपस में इक्वल होते हैं, नहीं होते ना, तो यहाँ तब इस कंडीशन में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यहाँ भी आई की वैल्यू डिफरेंट है, जे की वैल्यू भी डिफरेंट है, तो आपस में इक्वल तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे जीरो मिला है। यहाँ पे वन क्यों मिला है हमें, जब उन्होंने कहा जब आई और जे आपस में इक्वल होंगे, अब यहाँ पे देखो आई की वैल्यू कितनी है, वन, और जे की वैल्यू भी कितनी है, वन, आई और जे आपस में इक्वल है तब क्या मिलेगा, वन मिलेगा, इसलिए यहाँ पर वन मिला है। आई और जे कितना है यहाँ पर, आई की वैल्यू भी टू है, जे की वैल्यू भी टू है। जब आई और जे की वैल्यू, दोनों की वैल्यू टू है, आई और जे आपस में इक्वल है, तब वैल्यू कितनी मिलेगी, वन, इसलिए यहाँ पर वन मिला। इस तरह से ये क्या बनी, हमारी कंडीशन बनी है। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है हमारे पास, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगनल एलिमेंट क्या मिले हमें, जीरो मिले। डायगनल एलिमेंट तो ये होते हैं, नॉन डायगनल एलिमेंट क्या बोला उन्होंने, जीरो मिलने चाहिए। और जो डायगनल पे प्रेजेंट है वो कैसे होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, जो डायगनल पे एलिमेंट है वो आपस में इक्वल होने चाहिए, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर 2x2 की मैट्रिक्स ली है, ठीक है, जो डायगनल पर एलिमेंट है प्रेजेंट है वो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, डैट मीन्स इक्वल है आपस में। और जो नॉन डायगनल एलिमेंट है वो क्या, हमारे जीरो। ऐसे ही हमने 3x3 की मैट्रिक्स ली, जो डायगनल पे एलिमेंट प्रेजेंट है वो आपस में इक्वल है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। और नॉन डायगनल एलिमेंट क्या है, हमारे जीरो। तो ये पर यहाँ पर हमने जो मैट्रिक्स बताई है, ये 2x2 ऑर्डर की और ये 3x3 ऑर्डर की है। अब हम टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, कुछ टाइप होते हैं हमारे पास, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इतनी बात, स्क्वायर मैट्रिक्स के क्या क्या टाइप है हमारे पास। सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे हम, जब उस हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज जब हमारे पास एक एक वाला जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सपोज हमने एक मैट्रिक्स ली ए, ए हमने एक मैट्रिक्स ली, इस मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, रो को कॉलम में चेंज करना या फिर कॉलम को रो में चेंज करना। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ पर जो हमारी रो है, ये क्या हमारी रो, इस तरह से जो रेस्ट वाली पोजिशन पर होती है हमारी, वो क्या होती है रो। रो को हम क्या करेंगे, कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। तो 2 3 6 ऐसे लिखा है तो उसको हम ऐसे लिख देंगे। जब हम यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे देखो क्या है, 2 3 6 क्या दिख रहा है, 2 3 6 2 3 6 अगर ऐसे है तो उसको हम ऐसे लिख देंगे, कॉलम में लिख देंगे, लिख दिया 2 3 6। नेक्स्ट देखो 3 4 5 3 4 5 किस में, अब हमारा रो में है, इसको कॉलम में इंटरचेंज करना है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, ऐसे 3 4 5। नेक्स्ट है हमारे पास 6 5 9 रो में है, तो उसको क्या कर देंगे, ऐसे कॉलम में लिख देंगे। इस तरह से अगर जिस मैट्रिक्स को हम लिखेंगे, अगर हमारा ए का ट्रांसपोज और ए आपस में इक्वल आ जाता है, तब उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे चेक करो कि ए ए का ट्रांसपोज क्या इक्वल है हमारे पास, कब इक्वल होगा हमारे पास, जब यहाँ पे अंदर जो हमारे पास एलिमेंट है ये आपस में इक्वल होंगे, ये यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, फिर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, फिर 3 4 5 3 4 5 6 5 9 6 5 9, ठीक है। इतनी बात, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, जहाँ पर हमारा ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डैट मीन्स हम कोई भी एक मैट्रिक्स लें और उसको ट्रांसपोज करें,
ट्रांसपोज करने पर और उससे पहले जो भी मैट्रिक्स है अगर वो आपस में इक्वल है तब उस मैट्रिक्स क्या कहेंगे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, अ मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ली हमने ए, ही सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। सो स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी हमारे पास, जब हमारे पास ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होता था, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आता था, अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है हमारे पास ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है हमारा, माइनस ए के इक्वल आएगा। ठीक है, इतनी बात। अब एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, यहाँ ए का ट्रांसपोज जब हमने लिया, ये ए का ट्रांसपोज, कोई एक मैट्रिक्स ली ए, उसका किया ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करने पर क्या मिला ये, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ए के इक्वल अगर आ जाता है, अगर ये किसके इक्वल आ जाता है, माइनस ए के इक्वल आ जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। एक बात हमेशा याद रखनी है हमें क्या, कि जो डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में, वो जीरो होते हैं। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी किसकी, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी है हमारे पास, कुछ रिजल्ट है, जैसे ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो ट्रांसपोज होता है ना हम उसको ऐसे भी दिखाते हैं, या तो टी से दिखा दो या फिर ऐसे डैश से भी हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज को दिखाते हैं। तब हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए ट्रांसपोज को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए किसके इक्वल होगा, 1 बाई टू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1 बाई टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हमारा यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्लस 1 बाई टू ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है यहाँ पर वो क्या है, दी डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लें ऑफ ऑड ऑर्डर की हिज जीरो, अगर हम कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लें और उसका डिटर्मिनेंट ले और वो मैट्रिक्स कैसी हो हमारी ऑड ऑर्डर की, तो उसको वो क्या होगी हमारी जीरो। या फिर आप कह सकते हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता है हमारे पास, जहाँ पर डिटर्मिनेंट हमारा जीरो के इक्वल हो, और नॉन सिंगुलर क्या होता है हमारा, जहाँ पर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो हो। ठीक है, इतनी बात। अब जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है इसका हमारे पास प्रूफ भी होता है, ये क्या, अगर हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज सिंगुलर। तो हम बात किसकी की गई है यहाँ पे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम क्या करें, एक कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले ले ऑड ऑर्डर की, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट ए बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर की लेनी है हमें, तो यहाँ पे ऑड ऑर्डर हमने क्या ले लिया, एन, और एन क्या है हमारा यहाँ पर, ऑड है। ठीक है, अब हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होता है हमारे पास, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, माइनस ए के ट्रांसपोज को हम टी से भी दिखा सकते हैं, डैश से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये किसका एग्जांपल लिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आता है। अगर हम इसको ऐसे लिख लें क्या कोई फर्क पड़ेगा हमारे पास, अगर हम ए को इस साइड शिफ्ट कर दें, हम क्या करें माइनस को दूसरी साइड शिफ्ट कर दें, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए के ट्रांसपोज के। अब उन्होंने हमें एक बात कही है कि डिटर्मिनेंट लेना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट भी लेना, तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इस तरह से। तो हमने क्या किया, बोथ साइड क्या किया, डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट लेने के बाद अब जहाँ पर हमें ऑर्डर कैसा दिया हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ऑड ऑर्डर किया हमारे पास, जो माइनस साइन है उसको हम ऐसे लिख देंगे, माइनस वन रेस टू द पावर एन, और इसको हम ऐसे ही लिख देंगे कैसे, ए डैश की फॉर्म में। ठीक है, इतनी बात। अब हमारे पास क्योंकि हमें पता है ये हमारा किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, ये हमारा इसके इक्वल होता है, इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस वन रेस टू द पावर एन, और ए डैश को हम कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और यहाँ पर एन जो है हमारा ऑड नंबर है, एन क्या है यहाँ पर हमारा, ऑड है, तो ओड है तो क्या होगा हमारे पास, वन होगी, पावर थ्री होगी, फाइव होगी, सेवन होगी। अगर माइनस वन की पावर, एन तो ओड है, यहाँ पे वन रखेंगे तब क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। डैट मीन्स जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है यहाँ पे माइनस में आएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे अगर एन हमारा ओड है तब यहाँ पे माइनस ही रहने वाला है, और साथ में क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे डिटर्मिनेंट है हमारा ए का माइनस में है, जब दूसरी साइड जाएगा तब क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आया हमारा, जीरो के इक्वल आया।
और यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारा यहाँ पर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जीरो के इक्वल आ गया, डैट मीन्स सिंगुलर है। और डैट मीन्स ए क्या हमारा यहाँ पर, सिंगुलर। ए क्या होगा हमारा यहाँ पर, सिंगुलर। तो हमने प्रूफ कर दिया ये रिजल्ट भी। उन्होंने हमें क्या बोला था, द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज जीरो। डिटर्मिनेंट ले अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तो वो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो आ तो गया हमारे पास ए, तो हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही ली थी ऑड ऑर्डर की। ए तो हमने क्या ली थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली थी ऑड ऑर्डर की। एन यहाँ पे ऑड था हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमने कंडीशन ली, फिर इसको सेट करके लिखा अच्छे से। फिर उन्होंने क्या बोला था, डिटर्मिनेंट लो, इसलिए डिटर्मिनेंट लगाया। एन ऑड था, वो कंडीशन भी लगाई यहाँ पर, सॉल्व किया। तो क्या आया हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज जीरो। ऐसे ये क्या हुआ हमारा रिजल्ट, यहाँ पे प्रूफ हुआ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी आइडमपोटेंट। किसी मैट्रिक्स को हम आइडमपोटेंट कब कहेंगे, जब ए स्क्वायर हमारा ए के इक्वल होगा। आइडमपोटेंट कब कहेंगे किसी भी मैट्रिक्स को, जब हम, अगर हम कोई मैट्रिक्स लें ए, उसके अंदर कुछ एलिमेंट है, ठीक है, ए मैट्रिक्स ली कुछ एलिमेंट है, जब उस मैट्रिक्स को स्क्वायर करके लिखेंगे कि ए मल्टीप्लाई ए करके सॉल्व करेंगे, उसको जो सॉल्व करने पर हमें रिजल्ट मिलेगा वो ए के ही इक्वल आए, तब हम क्या कहेंगे, ए स्क्वायर ए के इक्वल है, वो मैट्रिक्स कैसी होगी, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। अब आइडमपोटेंट मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ ए इज आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, अगर ए हमारे पास आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है, देन जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास ए का, तो वो किसके इक्वल आएगा, या तो जीरो होगा या फिर वन होगा। सेकेंड क्या है हमारे पास, ट्रेस ऑफ एन आइडमपोटेंट मैट्रिक्स इक्वल्स टू इट्स रैंक। जो ट्रेस होता है हमारे पास आइडमपोटेंट मैट्रिक्स का, वो किसके इक्वल होता है, रैंक के इक्वल होता है। फोर्थ है हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स। पहले हमने क्या पढ़ा, आइडमपोटेंट। आइडमपोटेंट में क्या होता है, ए स्क्वायर ए के इक्वल होता है। अब निलपोटेंट में क्या होता है, ए रेज़ टू द पावर एम किसके इक्वल होगा हमारा, जीरो के इक्वल होगा। मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी निलपोटेंट, किसी भी मैट्रिक्स को निलपोटेंट कैसे बोलेंगे हम, इफ़ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम, अगर हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर एम मिले सच डैट, उसको हम कैसे लिखेंगे, ए की पावर एम में लिखेंगे, ठीक है, इतनी बात। उसको हम क्या कहेंगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स। आपने याद रखना, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स में ए स्क्वायर ए के इक्वल, निलपोटेंट में ए रेज़ टू द पावर एम किसके इक्वल है, जीरो के। एम क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। फिफ्थ क्या है हमारे पास, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी इन्वोल्यूटरी इफ ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा हमारा, आई के इक्वल होगा। डैट मीन्स कोई मैट्रिक्स है ए, उसका अगर हम स्क्वायर करें, एक मैट्रिक्स की सबसे पहले ए उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पर जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, आई के, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। सिक्स्थ क्या है हमारे पास, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब हमारे पास ए और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करने पर, किसी भी मैट्रिक्स, अगर हम एक मैट्रिक्स लें ए और उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दें उसके ट्रांसपोज के साथ और आइडेंटिटी मिले, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और जो डिटर्मिनेंट होता है हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में, या तो वन होता है या फिर माइनस वन, ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट है मेरे पास डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारे पास, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट होने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा है हमारे पास यहाँ पर, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है हमें। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जहाँ पर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो, उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। दी डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय दी एलिमेंट ऑफ ए इज सेट टू बी डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। जो हमारे पास मैट्रिक्स ए से डिटर्मिनेंट बनेगा, दिस इज डिनोटेड बाय, इसको हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर हमें कोई एक मैट्रिक्स दे दी गई है, ए कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट है, उसको हम कैसे, अगर हम इसको डिटर्मिनेंट बताना हो, अब हम ए तो कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट है, डिटर्मिनेंट बताना हो, अगर उसको हम ऐसे लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट लगा के फिर बीच में ए लिखेंगे और फिर ऐसे एलिमेंट लिखेंगे उसके अंदर, या फिर हम उसको ऐसे ना लिख के लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है, इतनी बात। अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, ए ये कोई मैट्रिक्स है हमारे, अब हमें इसका क्या बताना है, डिटर्मिनेंट बताना है। मैंने क्या बात करी थी सबसे पहले स्टार्टिंग में, जब मैंने स्टार्ट की थी वीडियो, तब मैंने आपको क्या बताया था कि मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, बेसिकली नंबर्स की अरेंजमेंट होती है, कि नंबर्स को हम कैसे अरेंज करके लिख, किस फॉर्म में हम अरेंज करके लिखते हैं, ये क्या हमारे पास मैट्रिक्स है। इसके अंदर हमने क्या किया, नंबर्स को अरेंज करके लिखा हुआ है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती हमारे पास मैट्रिक्स की, जो वैल्यू होती है हमारे पास डिटर्मिनेंट की होती है, वो ही हम आपको कैलकुलेट करना बताऊंगी अब, कि हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम निकालते हैं चलो इसकी वैल्यू। अब ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो लिखो पहले क्या करना है, डिटर्मिनेंट लगाना पड़ेगा, ऐसे लगा दिया, एलिमेंट क्या है, वन
टू थ्री, ज़ीरो वन फोर, फाइव सिक्स ज़ीरो। अब इसका निकालना है हमें डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले मैं इसको क्या कर रही हूँ, सबसे पहले फर्स्ट रो से मैं क्या करती हूँ, इसको एक्सपेंड करूँगी। जब मैं इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपेंड करूँगी तब मैं क्या लिखूँगी, सबसे पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट लिखूँगी। एक्सपेंड करने की क्या वो होती है हमारे पास, सबसे पहले आता है हमारे पास, अगर मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड करूँ तब मेरे पास साइन कैसे चलेंगे, सबसे पहले प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस। ये क्या, ये किस केस में होते हैं हमारे पास साइन, थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स के केस में। थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स होगी तब उस केस में हमारे जो साइन चलेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, क्योंकि जो ये डिटर्मिनेंट है मैं उसको क्या कर रही हूँ, रो फर्स्ट से एक्सपेंड कर रही हूँ। तो रो फर्स्ट क्या हमारी ये वाली, इसे एक्सपेंड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी, प्लस। यहाँ पे क्या प्लस लिखूँ या ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो अभी के लिए मैं लिख देती हूँ क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी, प्लस साइन लिखूँगी, फिर मैं यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो लिखूँगी। इतना करने के बाद अभी ये एलिमेंट किस पोजीशन पे है हमारा, ए वन वन, किस पोजीशन पे है, ए वन वन, डैट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ए वन वन का मीनिंग है यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सबसे पहले जो फर्स्ट रो है इसको हटाओ और जो फर्स्ट कॉलम है उसको हटाओ। इसको यहाँ से हटाया, इसको, इसको हमने यहाँ से हटाया फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को यहाँ से हटाया, तो बचा क्या, वन फोर सिक्स जीरो। जो बचेगा उसको यहाँ पे लिख दो ऐसे, वन फोर सिक्स ज़ीरो। इतना करने के बाद फिर आपने क्या लिखना है, सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारा, टू। इसके साथ कैसा साइन आएगा, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगाओ। ठीक है, अब ये जो सेकेंड एलिमेंट है वो किस पोजीशन पे है हमारा, ए वन टू, ए वन टू, डैट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे। फर्स्ट रो क्या हमारी, ये। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। फर्स्ट रो क्या हमारी, ये, सेकंड कॉलम क्या हमारी, ये, डिलीट कर दिया, बचा क्या, ज़ीरो फोर फाइव ज़ीरो। तो उसको लिखेंगे यहाँ पर, ज़ीरो फोर फाइव ज़ीरो। ठीक है, इतनी बात। फिर क्या, प्लस का साइन, फिर लिखेंगे थ्री। अब जो थ्री है हमारा, ये जो हमारा थ्री है वो किस नंबर पे प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, ये ए वन थ्री पे। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को हटाएंगे, फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे। डैट मीन्स अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो क्या हमारी, ये, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, कॉलम तो ये हमारा, थर्ड कॉलम को हमें क्या करना है, हाइड करना है, और जो बचेगा फिर वो लिखना है। तो लिखना क्या हमें, ज़ीरो वन फाइव सिक्स। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। अब इसको करो सोल्व, हमें क्या करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और बीच में लेना माइनस का साइन मल्टीप्लाई करते हुए। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो ज़ीरो, बीच में लिखना है माइनस का साइन, सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर माइनस टू। अब ज़ीरो की मल्टीप्लाई ज़ीरो के साथ करो, क्या मिलेगा, ज़ीरो। इसकी यहाँ करी ज़ीरो, बीच में माइनस का साइन, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, फिर प्लस का साइन, प्लस थ्री। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ ज़ीरो, बीच में माइनस का साइन, तो फाइव की मल्टीप्लाई यहाँ माइनस फाइव। अब इसको सोल्व करके आपने क्या लिख देना, आंसर लिख देना है, माइनस टू, फिर क्या, माइनस ट्वेंटी प्लस थ्री, और यहाँ पे क्या, माइनस फाइव। इसको करो सॉल्व, माइनस ट्वेंटी फोर प्लस फोर्टी माइनस फिफ्टीन। अब ये फोर्टी है, इसको आगे लिख लो, और जो माइनस वाले हैं उनको क्या करना है, आपने ऐड करके लिख देना है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा आपने, फोर्टी, माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस, नंबर को करना है प्लस, तो फाइव में फोर को करेंगे प्लस नाइन, और ये टू और वन थ्री, तो कितना आया, थर्टी नाइन। माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस, नंबर्स को कर दिया ऐड। अब साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, ट्वेंटी फोर के सामने कैसा साइन है, माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा। तो 40 माइनस 39 क्या होगा, 1। जो डिटर्मिनेंट आया हमारे पास इस मैट्रिक्स का वो क्या आया हमारे पास, 1। इस तरह से हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़, वो भी किसकी, डिटर्मिनेंट की। जो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी वो क्वेश्चन में बहुत यूज़ होती हैं, तो आपको यहाँ से सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट के बारे में तो हमने जान लिया कि डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारे पास, अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि जिससे हम क्वेश्चन को सोल्व करें तब हमें वहाँ से कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो उसकी प्रॉपर्टी भी जान लेनी चाहिए। तो क्या है हमारे पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ़ टू रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट के अंदर दो रो या दो कॉलम आपस में सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, देन दी वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो, तब हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही ज़ीरो हो जाएगी, हमें क्वेश्चन को आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारे पास दो रो या दो कॉलम
हमारे पास अगर डिटर्मिनेंट में दो रो या फिर दो कॉलम एक जैसे हो जाते हैं, हमें उसको एक्सपेंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से हम बता देंगे बिना सॉल्व किए कि यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो ज़ीरो मिलेगा। अब यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया, लेट ए किसके इक्वल है हमारा, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए टू बी टू सी टू। अब यहाँ पर देखो दो रो हमारी क्या होगी, सेम होगी है ना, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, या तो दो रो या फिर दो कॉलम, और ये डिटर्मिनेंट के अंदर जब दो रो या दो कॉलम सेम हो जाती है, अब यहाँ पे हमारे दो रो सेम हो गई है, यहाँ पे ए टू बी टू सी टू, यहाँ भी ए टू बी टू सी टू, ऐसे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपको ऐसे देखने को मिल सकता है टू थ्री फोर, यहाँ भी टू थ्री फोर, डैट मीन्स जहाँ सेम सेम देखने को मिले तब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ से आप देखते ही बता दोगे कि यहाँ पे आंसर कितना मिलने वाला है, ज़ीरो ही मिलने वाला है। तो ये प्रॉपर्टी हमें कुछ इस तरह से बताती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेंस अनचेंज, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, कब नहीं होगी, इफ इट रोज आर चेंज इन टू कॉलम, जब हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे या फिर कॉलम को रो में चेंज करेंगे तब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब हमने जो डिटर्मिनेंट लिया है इसके अंदर जो एलिमेंट है देखो किस फॉर्म में है, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ये किसकी फॉर्म में है, रो की फॉर्म में है, और अब इसको हमने क्या किया कॉलम की फॉर्म में अगर लिख दें, ये जो एलिमेंट है उसको हम कॉलम की फॉर्म में लिख दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, चेंज नहीं होगी। अगर हम इसको रो की फॉर्म में लिख के एक्सपेंड करें, इसको सॉल्यूशन अगर हम रो की फॉर्म में लिख के निकालें या फिर कॉलम की फॉर्म में लिख के निकालें तब इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हमारी नहीं होगी, ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू और मोर टर्म देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट। अगर हमारे पास कुछ एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या हो रखा है, उसके अंदर जो हमारे एलिमेंट है, दो एलिमेंट का सम जो है हमारे पास, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो भी। तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसको हम किस तरह से लिखेंगे, अगर हमें कुछ भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और हमें कुछ इस तरह से कंडीशन देखने को मिल जाए कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट है उसके अंदर भी कुछ एलिमेंट हमारा ऐड हो रखा है, ऐसे दो एलिमेंट का मतलब सम लिखा हो और फिर यहाँ पे ऐसे ही लिखा हो हमारे पास, तब हम उसको कैसे लिख सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, हमें डिटर्मिनेंट क्या बताता है, अगर दो नंबर्स के सम को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ए वन B1 C1 A2 B2 C2, that means ये लिख रहे हैं हम सबसे पहले A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, फिर प्लस लगा के हम लिख देंगे अल्फा बीटा गामा B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। If two adjacent row और column of determinant are interchanged, if two adjacent row मतलब पास पास वाली अगर रो और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं, आपस में चेंज करके लिखते हैं, तब क्या होगा मेरे पास, सो ऑब्टेंड इट इज द नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे देखो ये क्या हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सॉरी ये हमारे पास क्या डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उन्होंने हमें क्या कहा, अगर आप साथ साथ वाली जैसे इसके पास है तो इसके पास वाली को अगर आप इसको ऊपर लिख दोगे इसको नीचे लिख दोगे, ये वाली रो ऊपर है ये नीचे, अगर ऊपर वाली रो को नीचे लिखोगे और नीचे वाली को ऊपर लिख दोगे, पास पास वाली है इनको ऊपर नीचे करके लिखोगे, तब आपने माइनस साइन लगाना नहीं भूलना, अगर माइनस साइन नहीं लगाया तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डैट मीन्स आपने क्या करना है, जब भी आप रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करो, पास पास वाली रो या कॉलम को, यहाँ पे तो हम किसको इंटरचेंज कर रहे हैं, रो को इंटरचेंज किया हमने, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, R1 थी ये R2 है हमारी, ये रो थर्ड है, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, रो सेकंड और रो फर्स्ट को आपस में इंटरचेंज करके लिख दिया, और साथ में हमने क्या लगाना, माइनस साइन लगाना नहीं भूलना, और यही सेम केस हमारे पास कॉलम के में भी चलेगा, अगर मैं इसको यहाँ पे इस पोजीशन पे लिख दूँ और इसको इस पोजीशन पे लिख दूँ तब माइनस साइन मैंने लगाना नहीं भूलना, ये कहती है मेरे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट दैट मींस ये इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। ओरिजिनल डिटर्मिनेंट क्या हमारा ये क्या है मेरे पास न्यू डिटर्मिनेंट बन गया और ये क्या मेरे पास ओरिजिनल डिटर्मिनेंट।
अगर मेरे पास क्या होगा यहाँ पर, ये क्या लिखे हुए हैं, A1 A2 A3 एलिमेंट, B1 B2 B3 इस तरह से, डैट मीन्स ये हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए होंगे मुझे क्वेश्चन में और उसकी मल्टीप्लाई कुछ किसी के साथ क्यों, सपोज यहाँ पे क्या है मेरे पास X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 Z1 Z2 Z3 ऐसे क्वेश्चन में दिया है और उसकी मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ कर दी गई है, के किसी कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, सपोज 2 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई की हुई है, तब हम क्या करेंगे यहाँ से पूरी रो में से हम क्या करेंगे 2 को कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ से, जैसे के हमारे पास सबके पास है ना यहाँ पर, तब इसको हमें अगर बाहर लिखना हो अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ इस पूरी रो में से के को कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं, या फिर जैसे हमारा यहाँ पर तब के हमारे पास, तो के क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट क्या हो सकता है हमारे पास 2, 3, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, किसी भी नंबर के साथ अगर कोई कॉन्स्टेंट किसी भी वेरिएबल के साथ, सॉरी अगर हमें कोई कॉन्स्टेंट देखने को मिलेगा किसी रो या किसी कॉलम में, तब हम क्या करेंगे उसको बाहर निकाल के लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे के था हमारे पास सबके साथ, तो हमने क्या किया उसको बाहर लिख लिया और अंदर क्या बच गया हमारे पास ये डिटर्मिनेंट, ठीक है इतनी बात। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल, अगर हमारे पास टू रोज या फिर टू कॉलम जो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, देन इट्स वैल्यू इज जीरो, डैट मीन डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, ये कोई डिटर्मिनेंट है, इसके अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट देखो A1 A2 A3, फिर दिया हुआ है KA1 KA2 KA3 C1 C2 C3, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन क्वेश्चन में देखने को मिले तब क्या कंडीशन रहेगी हमारे पास, यहाँ पे के सबके पास है तो के इन्होंने क्या किया बाहर निकाल के लिख दिया, तो ये तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी ली है, ये प्रॉपर्टी तो हमने रीड कर ही ली है ना सबसे पहले, कि किसी भी जैसे हमारे पास यहाँ पर रो में हमारे पास के मल्टीप्लाई है यहाँ पर हमारे पास, तो हमने के को हम बाहर निकाल के लिख सकते हैं, तो हमने के को बाहर निकाल के लिख लिया, ठीक है। अब क्या हुआ हमारे पास जो ये रो है हमारे पास, रो फर्स्ट और रो सेकंड अगर हमारे यहाँ पे क्या होगी सेम हो गई है, डैट मीन्स यहाँ जो एलिमेंट है 1, 2, 3 और यहाँ भी वही एलिमेंट है 1, 2, 3, रो 1 और रो 2 के एलिमेंट क्या हो गए हैं सेम, तब हमें डिटर्मिनेंट को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसका आंसर क्या होगा जीरो होगा, इसका क्या मीनिंग है हमारा यही मीनिंग है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो देन इट्स वैल्यू इज जीरो, अगर हमारे पास हर एक एलिमेंट रो और कॉलम में क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, डिटर्मिनेंट में अगर हमारे पास हर एक एलिमेंट रो और कॉलम का जीरो हो जाता है तब उसको क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी हमारे पास, ठीक है इतनी बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय अ कॉन्स्टेंट के, इफ ईच एलिमेंट हर एक एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, रो की बात कर रहे हैं या फिर कॉलम में किसी में भी हो सकता है हमारे पास ये केस, उन्होंने कहा है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय अ कॉन्स्टेंट के, वो किसी कॉन्स्टेंट के से मल्टीप्लाई हो रखा हो एंड देन एडेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सम अदर रो और कॉलम और फिर किसी के अंदर ऐड हो रखा हो, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेंस द सेम, तब मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहने वाली है सेम ही रहने वाली है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया हमारे पास C1 के अंदर इन्होंने क्या किया C1 प्लस KB1 कर दिया है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया C1 प्लस KB1 C2 प्लस KB2, तो मेरे पास क्या रहने वाली है डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहने वाली है सेम ही रहने वाली है। तो ये हुई हमारे पास डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टी का क्या होती है हमारे क्वेश्चंस के अंदर बहुत यूज़ होती है, तब हमें हर एक प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए, उससे क्या होगा अगर हमें प्रॉपर्टी के बारे में पता होगा हम क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर लेंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हमारे पास प्रॉपर्टी का यूज़ हो रखा है वो होता है हमारे पास और हमारी कैलकुलेशन, अगर हमें प्रॉपर्टी पता होगी तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी ईजी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स इतनी बात। आई होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।